नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर टेट के लेकर। जानते हैं सुपर टेट दोस्तों तो हो गया है, लेकिन आपका जो है दोस्तों ये पेपर आउट होने के कारण अब रद्द के कार में आ गई है। यहाँ जिसे देख पा रहे हैं आज का अपडेट निकल क्या है दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कहा गया है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ से देख पा रहे हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा विवादों में फंसी। तो दोस्तों आपको बताते हैं 100% प्रूफ के साथ आए हैं, तो बताते हैं दोस्तों और जानते हैं कि 68,500 हैं जो वो पिछले सहायक अध्यापक भर्ती, वो भी दोस्तों अभी तक उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो दोस्तों वो भी भर्ती अटकी हुई है और ये भी भर्ती तो पूरी तरह से फंसी हुई आपको पता ही है। दोस्तों बताते हैं किस तरह से आपका ये पेपर रद्द हुआ और कैसे है। दोस्तों जिसे यहाँ देख पा रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा विवादों में फंसी, और यहाँ जिसे देख पा रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के बदले प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 68,569 सहायक अध्यापक भर्ती की भर्ती जो है विवादों की भेंट चढ़ गई है। तो दोस्तों ये जो है कोर्ट की शरण में दोनों हैं, लेकिन दोस्तों जब 69,000 तो आउट होने के कारण जो है कट ऑफ के विवाद में खड़ा हो ही गया है, लेकिन जो है अब यहाँ देख पा रहे हैं 68,500 भी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, जिसमें कारण जो है यहाँ जिसे देख पा रहे हैं कि ये प्रदेश की मंशा है जो इसमें 1.37 लाख का जो है भर्ती ये ले, लेकिन दोस्तों इसमें भी अभी तक पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है। यहाँ जिसे देख पा रहे हैं और ये देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं पेपर प्रश्न आउट होने के कारण, कट ऑफ के कारण ये कोर्ट में इसका अभी भी चल रही है सिलसिला, तो पता ही आपको। यहाँ जिसे देख पा रहे हैं भर्ती के 69,000 शिक्षक भर्ती के बीच में नए नियम बनाए जाने के कारण जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस गई है। दोस्तों अब जो है इस पर देखिए योगी आदित्यनाथ बोले हैं हो सकता है आपका ये पेपर रद्द होगा, क्योंकि जानते हैं इतनी खामियां आ गई है सभी सबूत में, कल भी दिखाया था आपको। तो यहाँ से देख पा रहे हैं शिक्षक भर्ती की लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 15 दिन से अधिक समय से आंदोलन ये कर रहे हैं अभ्यर्थी, और देख रहे हैं इससे जो पहले हैं 68,500 अध्यापक की भर्ती में कापियों के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के चलते अभी तक सचिव परीक्षा नियामक कापियों के द्वारा मूल्यांकन का काम चल रहा है, और 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती देख रहे हैं 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जो है तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबन का कार्यवाही हो चुकी है। दोस्तों सुत्ता सिंह को निकाल चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं 68,500 को, और ये भी है दोस्तों आपका ये पेपर भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे अपडेट निकल के आ रही हैं। यहाँ भी जैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की 1.37 लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने में संदेह है, क्योंकि दोस्तों ये होगा ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट भी अभी इसमें डिसीजन सुनाएंगे। उससे पहले जो है सरकार की तरफ से अपडेट आ रहे हैं कुछ ऐसे उनके हैं जो चमचे बता रहे हैं कि ये पेपर रद्द हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पेपर में इतनी व्हाट्सअप पर फेसबुक पर सभी जगह आंसर की के साथ वायरल हुआ है, पेपर तो आपका वायरल हुआ ही था और साथ में जो उसका है आंसर की भी वायरल हो गया था। तो दोस्तों जिस कारण जो है ऐसे उनके चमचे बोल रहे हैं जो ये पेपर रद्द होगा। दोस्तों रात जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ऐसे ही कम खनुक साथ अल्ट अपडेट रहने के लिए एनकेसी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ रेड कलर के बटन दिखता होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर सबसे ज़्यादा शेयर करना। फिर नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।